अरे बाबा अरे बाबा, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए एडवेंचर ब्लॉग में। मैं हूं साकेत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नोमेड साकेत संतोष। सबसे पहले मैं बता देता हूं अभी टाइम कितना हुआ है और तारीख कौन सा है। आज है भाई 25 दिसंबर 2022। तो सबसे पहले आप लोगों को क्रिसमस की बधाई, और मैं अभी अपना टेंट में ही हूँ, समझ सकते हो। ऐसे ही मतलब सब सामान बिखरा बुखरा पड़ा है। और बता देता हूँ भाई कल क्या हुआ था पहले, और मैं कहाँ हूँ। कल ना भाई वीडियो बना रहा था, उसके बाद मैंने बताया था ना वो 4 बस आया था वहाँ पे रानी दहरा वाटरफॉल में, तो वहाँ पर उसी ग्रुप के साथ मैंने खूब मस्ती किया, खूब नहाया एकदम, बहुत जगह ट्रैकिंग व्रैकिंग करके उसी में मैं वीडियो बनाना भूल गया आगे का। और वहाँ से भाई मैं यहाँ पर एक ढाबा है वहीं पर ही मैं अपना बगल में टेंट लगा लिया। और कौन ढाबा है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मैं बताया था कि यहाँ से एक ढाबा आगे है 100 मीटर, पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देखा हुआ तो आप लोगों को पता होगा, तो उसी ढाबा के पास में हूँ मैं। और दिखा दूँगा भाई ढाबा कैसा है नहीं है। और मेरे बगल में जो आप लोग ये गाड़ी की आवाज़ सुन रहे हैं ये NH 30 है, जो कि मोस्ट बिजी रोड है भाई, बहुत इधर चिल्फी घाटी है। तो आज का ब्लॉग एकदम एडवेंचर ब्लॉग होगा, फुल एडवेंचर ब्लॉग होगा। कल भी एडवेंचर ब्लॉग ही था लेकिन मैं शूट नहीं कर पाया, लेकिन आज भी खूब फुल एडवेंचर होगा। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी का नज़ारा क्या है वो मैं दिखाता हूँ और अपना टेंट का हालत दिखाता हूँ। भाई ये है मेरा टेंट, 2% का स्टेरस का था, मैंने अनबॉक्सिंग किया था ये। मैं इसका आज रिव्यू भी दे ही देता हूँ भाई। ये टेंट कभी मत लेना, कंपनी बोलता है वाटर प्रूफ है लेकिन ये वाटर प्रूफ और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो कितना ये ओस का बूंद अभी आ गया है, देख रहे हो मेरा उंगली यार सब भींग गया। ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो पूरे एकदम ये पानी आ गया। तो ये बारिश से आपको नहीं बचाएगा, एक बार आप खर्चा करके डीकैथलॉन का टेंट ले लें अच्छा रहेगा। देख सकते हो कितना, ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितना हाथ मेरा भींग गया। और ये देखो पूरे मेरा कॉपी उपी भींग गया, वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इधर था, इधर ही मेरा कॉपी भींग गया था, देख रहे हो हाथ में पानी जो लगा है सो पूरे ये। तो अभी मैं इसीलिए नहीं निकला हूँ क्योंकि ये टेंट सूखने का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इसीलिए मैं नहीं निकला हूँ। और अभी नज़ारा मैं दिखाता हूँ भाई बाहर का, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ का नज़ारा इधर से कैसा दिखता है टेंट से। तो देखो आप लोग ये है भाई यहाँ का नज़ारा, इधर ही मेरा साइकिल था और ये ढाबा का पीछे मैंने लगा लिया था। और ये है ना भाई NH 30 है, इतना बिजी रोड है पूछो मत, इधर चिल्फी घाटी है फिर भी इतना मतलब बिजी रोड है, रात भर पोंपे हो रहा था पूरे। और ये रहा इधर का नज़ारा, अभी सुबह हो चुका है, पूरे 8 बज गए लेकिन मेरा टेंट सूखा नहीं है इसीलिए मैं नहीं निकला हूँ अभी। अभी अपना मोबाइल चार्ज में लगा लेते हैं, चार्ज हो जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, तो तब तक मैं अपना पूरा सामान उमान को सेंट लेता हूँ और चलने की तैयारी करता हूँ। तो भाई मैं अपना यहाँ पे सामान देखो बाहर कर दिया हूँ, और धूप भी थोड़ा थोड़ा निकल आया है, आज बादल था इसीलिए थोड़ा कम निकला। और मैंने बोला था ना ये टेंट मत लेना, कभी भी मत लेना यार। ये देखो पूरे देख रहे हो पानी आ जाता है, ये अभी मैं ऐसे झारा ना ऐसे करके पूरे ये पानी देखो कितना सारा पानी आ गया इधर सब पूरे। अब इसको मैं सुखाऊंगा थोड़ा देर, ये सब में पानी पूरे आ गया भाई, इसीलिए ये टेंट कभी मत लेना। इससे अच्छा है कि अच्छा खासा पैसा लगा के एक बार डीकैथलॉन का ले लो, अपना आराम से रहोगे। ये सब टेंट कभी मत लेना, मैं पहले ही इसका अनबॉक्सिंग किया था, मैं बोला था ये मेड इन चाइना है, हमको लगा इंडियन होगा, जैसे ही मेड इन चाइना निकला मैं समझ गया भाई कुछ तो लोचा होगा ही, और आज ये बता भी दिया। तो कभी मत लेना ये टेंट।
अब मैं चलने की तैयारी करता हूँ। तो भाई यहाँ से चालू हो चुका है घाटी क्षेत्र, जो कि लगभग आज 20 किलोमीटर का घाटी हमको पार करना पड़ेगा। ज़िंदगी में पहली बार इतना किलोमीटर का घाटी मैं पार करूँगा। अभी थोड़ा डाउन है, फिर अप है, ज़्यादातर डाउन है, डाउन नहीं है, अप ही है। तो हमको 20 किलोमीटर का ऐसे ही एरिया पार करना है यहाँ से, और देखते हैं क्या होता है। मेन तो लगभग 6-7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर का होगा। तो ज़िंदगी में पहली बार भाई आज 20 किलोमीटर एक तरह से समझो घाटी एरिया पार कर रहा हूँ, और इससे पहले 30 किलोमीटर का लगभग जंगल एरिया पार किया था कुदरगढ़ में। तो जब आप ट्रैवल करिएगा ना, तो आपको ऐसे ऐसे मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम चले जाओ, वहाँ तो और ज़्यादा है। ये तो अभी कुछ नहीं है, देखो थोड़ा प्लेन आया है अभी, फिर अप वाला आएगा। तो ऐसा ही करके घाटी एरिया है चिल्फी तक पूरे, और चिल्फी जो है ना वो महाराष्ट्र, क्या कहते हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, एकदम ठीक बॉर्डर पर है भाई। वहाँ से लगभग 2-3 या 4 किलोमीटर आगे जाएगा, या 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, तो एमपी मिल जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है चिल्फी 15 किलोमीटर, तो चिल्फी 15 किलोमीटर है, और जहाँ हमको पहुँचना है वो है लगभग 19 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर एक तरह से सीधे समझो। और देखो कितना बड़ा बड़ा गाड़ी जा रहा है ये सब पूरा, और इधर ट्रक ट्रक पर ट्रैक्टर लाद के ला रहा है। भाई मैं जिस रोड पे अभी चल रहा हूँ वो NH-30 ही है, और ये जो चिल्फी घाटी है ना भाई, ये छत्तीसगढ़ का और अपने देश इंडिया का लगभग मतलब मोस्ट डेंजरस रोड है। इस पर मतलब खतरनाक एक्सीडेंट होता रहता है, और कहता है कि इस पर मतलब, और कहता है कि एडवाइजरी में कि इस पर आराम से गाड़ी चलाइए, और सबसे बेस्ट रोड में से भी है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा खतरा रहता है और एक्सीडेंट भी होता रहता है। जय हिंद भैया लोग, देख कुछ एकदम जोश भर दी है। तो ये मोस्ट डेंजरस रोड है छत्तीसगढ़ का भी और अपने देश का। जो आप लोग ये देख रहे हैं भाई, ये इधर ढाबा है, देखो किस लोकेशन पर ढाबा है ये, और यही है ढाबा, और यहाँ पर ट्रक उरक सब लगा हुआ है। तो ये था फुलवारी ढाबा एंड रेस्टोरेंट। इधर भी कोई रोड जाता है, और इधर भाई बस्ती है इसीलिए ये रोड जा रहा था, और इधर ही है ये ढाबा था। और देखो कैसे लोकेशन पर स्थित है ये। यहाँ से भाई चालू होता है मेन घाट, सौजन्य जिला पुलिस कबीर धाम, और यही है वो। और यहाँ पर बानर उनर भी बहुत है भाई, बच के रहना पड़ेगा। तो मेन घाट यहीं से चालू होता है, आप लोग उधर देख सकते हैं। और अपना तिरंगा देखो, मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे लहरा रहा है ये। मैंने बार बार वीडियो में इसीलिए दिखाता हूँ ना भाई, क्योंकि जब ऐसे लहराता है तो एकदम अंदर से गूजबम्स आ जाता है। या कोई भी रोड आए पार ही कर दूंगा, कोई भी रोड आए। और सावधान यहाँ पर कुछ दे दिया गया है, और इस घाट क्षेत्र में वो नहीं करना है यहाँ पर। भाई यहाँ से चिल्फी रह गया है लगभग 9 किलोमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। और आप लोग मेरे पीछे रोड देख सकते हो कैसा है, और आगे भी दिखाता हूँ एकदम। यहाँ पर समझ ही नहीं आता है किधर जाए भाई, ये देखो। और आगे आप लोग देख सकते हो एकदम शार्प लेफ्ट है, जिससे आगे पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा गाड़ी आ रहा है। और इधर देख सकते हो आप 9 किलोमीटर लिखा हुआ है चिल्फी, और देख सकते हो ट्रक सब का कितना हालत ख़राब हो चुका है। और भाई मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना, उसका मैं ड्रोन शॉट दिखाता हूँ, जो कि मैं दूसरे के चैनल से लिया हूँ। तो उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाके उस चैनल पर ज़रूर विजिट करना, और उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। तो और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो भाई अगर जिस चैनल से मैं लिया हूँ उस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूँगा, और उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई कॉपीराइट मत मारना,
ये बस मैं छत्तीसगढ़ के टूरिज्म के लिए और लोगों को दिखाने के लिए ही लिया हूँ, ज़्यादातर तो छत्तीसगढ़ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए लिया हूँ, तो कॉपीराइट मत मारना भाई। एरिया में ये ट्रक चढ़ा नहीं है तो देखो ऐसे ही छोड़ के चला गया है या छोड़ दिया है, और अभी एक ट्रक आ रहा है, देखो कितना स्थिर है, स्थिर है। मैं भाई इधर से ही आया था, ये जो गाड़ी आ रहा है ना, ये इधर ही से ही मैं आया था, और ऐसे करके पूरे ये जाएगा, यहाँ पर टर्निंग है शार्प, और ये देख रहे हो ऊपर, ये ऐसे करते फिर ऊपर ऐसे। आप लोगों ने ड्रोन शॉट देखा होगा जो मैं डाल दिया था ना, वो तो समझ गए होंगे। और इधर देखो बानर बैठा हुआ है आराम से, देखो भाई कितना बड़ा बड़ा ट्रक लेके जा रहा है मशीन को, इधर भी आ रहा है ये। और ये इतना बिजी रोड है पूछो मत, क्योंकि ये NH है और इसी कारण यहाँ पर ना अति होता है, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट।
अरे बाबा कितना बड़ा है देखो। और बानर सब तो पूछो मत, यहाँ पर इतना था ना पीछे, और इधर भी आई एक, और इधर देखो अभी। भाई फाइनली घाट समाप्त हो चुका है, अब छोटा मोटा वाला घाट रहेगा। और इधर है भाई बंजारी ढाबा, माँ बंजारी ढाबा करके ऐसे ही कुछ है, मतलब ढाबा है, कुछ है नहीं, मतलब ढाबा है। और घाटी क्षेत्र तो समाप्त हो गया, और इधर जाता है कोई लिखा था ऐसे ही क्या, गोथी या गोभी करके ऐसे ही था, या भोथी करके था कुछ, इधर जाता है। और ये रहा घाटी क्षेत्र जो कि समाप्त हो चुका है भाई। और नटराज होटल एंड ढाबा जो कि इसी रोड पर आगे हैं, और अभी तो चिल्फी आया नहीं है। और जहां हमको पहुंचना है वॉच टावर के पास, वो अभी लगभग 6 किलोमीटर बचा हुआ है।